बीती रात को मंसूर नेहरू बस स्टैंड पर खड़ी बस में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। जानकारी के अनुसार रात को करीब 2 बजे के लगभग शॉर्ट सर्किट होने से राम बस में आग लग गई। बस में सो रहे बस कर्मचारी ने जब बस में धुआं देखा तो बस से नीचे कूदकर अपनी जान बचाई और लोगों को आवाज़ लगाई। आनन फानन में फायर ब्रिगेड को सूचना किया गया। फायर ब्रिगेड ने मौके पर जाकर आग पर काबू पाया, जब तक बस पूरी तरह से जलकर खाक हो गई थी। बताया गया है कि बस दोपहर 3 बजे नेहरू बस स्टैंड पर खड़ी हो जाती है। बस का रूट मंदसौर से शामगढ़ का है। बस क्रमांक MP14LB0621 राम बस है। ये मेघदूत बस थी और अभी फिलहाल राम बस है। पता नहीं 3 बजे आ जाती है, रोज 3 बजे आगे खड़ी होती है गाड़ी। उसके बाद पता नहीं कितना, मैं तो सुबह 6 बजे आया तो मालूम पड़े यहाँ के बस में आग लगी हुई है, फिर बुझी हुई थी भी थी। 2-4 जनों से तलाश करी तो पता नहीं कि कौन है, कंडक्टर सोया हुआ था अंदर, धुआं हुआ तो वो उठ के ना भाग गया फिर, और उसने आवाज़ लगाई फिर ना इधर फायर ब्रिगेड आई ना, फिर आग बुझी। पता नहीं यार, ये तो कुछ भी जानकारी अपने को, और अपने ना अपन कोशिश कर रहे हैं, अभी तलाश कर रहे हैं, मालूम पड़ेगी शाम तक किसने क्या। बाकी तो कंतीलाल रात मुन्ना खान, ये कहूँगा कि रात को यहाँ खड़ी रहती थी, शामगढ़ मंदसौर चलती है गाड़ी, रात को आके खड़ी होती है, सुबह जाती है। रात में किस टाइम 60 सर्किट हुआ, आग लग गई, 60 सर्किट से आग लग गई है। और सवेरे 9 बजे में आया, जब मेरे को मालूम पड़ी है गाड़ी आग लगी हुई, तो मैंने 9 बजे देखा। और भी सवेरे से रात में लोगों ने आग वाग लगी, 2-3 गाड़ी में और झाल लगी। ठीक है, ये तो 60 सर्किट की वजह से हादसा हो गया है। मुन्ना खान, मंदसौर से PD बैरागी की रिपोर्ट।